अच्छा तो रिको, हम चलते हैं। राणा अपने आदमियों के साथ हमें एयरपोर्ट पर ढूंढ रहा होगा और हम इस चार्टर्ड हेलीकॉप्टर से थोड़ी देर में कलकत्ता पहुंच जाएंगे। ऑल द बेस्ट। वेलकम मिस्टर माथुर। चलो अपने आदमियों को बड़े ही प्यार से आखिरी बार गुड बाय करो। करो। तुम जा सकते हो जाए। याद करो पीसी माथुर, अब याद करो। मुझे माफ कर दो राणा, मुझे माफ कर दो। हाथ जोड़ता हूं, पांव पड़ता हूं, मुझे माफ कर दो। पांव पड़ हमारी बीवी के जिसका तूने कत्ल किया, पांव पर हमारे दो मासूम बच्चों के जिनको तूने मार डाला। भाग भाग, कहां तक भागेगा? हाँ साहब, राणा ने माथुर साहब को। राणा, अब तेरी मौत का दिन आ ही गया। राणा, राणा तो हमेशा तुम्हारे इर्द गिर्द ही रहे हैं और इस वक्त तुम्हारे सर पर खड़े हैं। छोड़ दो इन्हें। राणा के घर अगर दुश्मन भी आए तो उससे मेहमान का सलूक किया जाता है। डीके, अंदर चले आओ। राणा, ए
एक बार मैं अपने छोटे भाई सोनू की मौत के गम को पी गया, रीकू को उठवाया, फिर भी मैंने बर्दाश्त किया। लेकिन आज बीसी माथुर को मारकर तुमने मेरे हाथ काटने की कोशिश की है, अब मैं तुम्हारी गर्दन काट कर रहूंगा। बातों की तलवार से गर्दन नहीं कटती डीके। अच्छा है कि तुम जान लो, राणा से लड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं। राणा, मैं हर साल दुर्गा माँ को बकरे की बलि चढ़ाता हूँ, आज मैं दुर्गा माँ की सौगंध खाकर कहता हूँ कि इस बार बलि तुम्हारे सर की होगी। ये तुम अपनी खुशकिस्मती समझोगे राणा की चौखट पे खड़े हो डीके। अगर तुमने यही आवाज इस चार दीवारी के बाहर कहीं निकाली होती तो तुम्हारे जबड़े हमारे हाथों में होते। याद रखना राणा, अब तुम्हारी मुलाकात डीके से नहीं अपनी मौत से होगी। अरे डीके, राणा की मौत इतनी छोटी नहीं जो तुम्हारी मुट्ठी में हो। और सुन लो, कान खोलकर, हर पूजा की शुरुआत गणपति की पूजा से होती है और इस बरस हम तुम्हारे मोहल्ले में ही आकर गणपति की पूजा करेंगे।